नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बलरामपुर देश के 115 सबसे अति पिछड़े जिलों में शुमार है और यहां 4 ब्लॉक भी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में शुमार है। इस लिहाज से मोदी और योगी सरकार का विशेष ध्यान रहता है, लेकिन यह जिला अभी तक सड़कों के मामले में सही नहीं हो सका है और ऊपर से यहाँ आई बाढ़ के ग्रामीण इलाकों में पड़ने वाली सड़कों पर हालत और ज़्यादा खराब हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे गड्ढा मुक्त अभियान का भी प्रभाव इस जिले के लोगों के लिए लाभकारी साबित नहीं हो रहा है। जिले के करीब 3000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें अपने सही होने का बाट जो रही हैं और ये सड़कें ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना, बॉर्डर एरिया और डेवलपमेंट प्रोग्राम, अतिरिक्त जिला मार्ग योजना PWD के प्रांतीय खड़क के तहत सालों पहले बनाई गई थी और टूटी पड़ी हुई सड़कों का सुध लेने वाला कोई नहीं है और ग्रामीण लगातार गड्ढों वाले सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं और जिले में योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान का खासा असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जिले की गोरा तुलसीपुर सड़क, गोरा उतरालो और सड़क, रोहरा बाजार और इसके साथ ही साधुल्ला नगर सड़क, साधुल्ला नगर धुसवा मार्ग और शुक्लागंज मार्ग समेत नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली तमाम सड़कों का हाल बेहाल है। प्रदेश सरकार की गड्ढा मुक्त योजना के तहत जिले भर की तकरीबन 3000 किलोमीटर ग्रामीण और बॉर्डर एरिया सड़कों के कार्यालय के बात कागजों में सिमट कर रह गई है और इन सड़कों का मरम्मत करने और इनके स्तर में सुधार करने के लिए PW को सरकार द्वारा पहले 15 नवम्बर तक का वक्त दिया गया था और फिर जब काम बचा रह गया तो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। लेकिन बलरामपुर जिले की सड़कों पर मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। ये 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये बॉर्डर एरिया है, हम लोगों के ऊपर बहुत समस्या पड़ती है आने जाने में। योगी सरकार का आदेश था कि 15 नवंबर तक सारी गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। आप लोगों को आने जाने में किस तरह से समस्या पड़ती है? सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे सर पड़ते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकर जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, टेम्पो है, टैक्सी है, मोटरसाइकिल है, गिर जाते हैं लोग, पलट जाते हैं वहाँ गड्ढे में, बहुत गड्ढे पड़ते हैं सर। ये इनका आदेश था कि 15 नवंबर तक हमारे जिले में जितने भी गड्ढे हैं वो सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन 15 नवंबर भी खत्म हो गया, आज 22 नवंबर हो गया है, अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। जो हमारी यह रोड है ये नेपाल से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे नेपाल का भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आज तक 22 नवंबर तक भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ बलरामपुर से संवाददाता योगेंद्र विश्वनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब अपने पहले टेंडर में आई तो उसने एक योजना लॉन्च की जिसे गड्ढा मुक्ति अभियान कहा गया और इस योजना के तहत जो तमाम गाँव खेड़ों में और जिले और अतिरिक्त जिले मार्गो को सुदृढ़ करने की योजना बनाई गयी। गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत बलरामपुर जिले में तकरीबन 3000 किलोमीटर सड़कें होंगी जो ग्रामीण अंचल को जोड़ती हैं या जो अतिरिक्त जिला मार्गों को जोड़ती हैं या तहसील मुख्यालयों को जोड़ती हैं, जिला मुख्यालयों को जोड़ती हैं, इनको गड्ढा मुक्त किया जाना था। ये SH और NH की सड़कों से इतर होता है। अब इसमें प्रांतीय खंड, निर्माण खंड फर्स्ट, निर्माण खंड टू और अन्य खंड द्वारा जो है इन सड़कों का विनिर्माण करवाया जाता है जिससे आम जनमानस को जो आने जाने में तकलीफें हैं वो ना हो। बलरामपुर जिले में गड्ढा मुक्ति योजना की हकीकत ये है कि तमाम सड़कों पर जो है काम करवाया गया है, लेपन का काम करवाया गया है, लेकिन जो है वो सही नहीं है। उनमें और ज्यादा उछाल आ गया है, गड्ढे और ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं पैच हो जाने के कारण। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी तस्वीर है कि 3000 किलोमीटर की अगर सड़क होगी तो उसमें महज 1000 या 500 किलोमीटर की सड़क को कहीं कहीं पैच करके गड्ढा मुक्ति अभियान के जरिए उसे सुदृढ़ करने का जो दावा जिला प्रशासन कर रहा है वो पूरी तरह से जो है नाइंसाफी जैसा है जनता के साथ, क्योंकि जो तमाम सड़कें हैं वो अभी तक सुदृढ़ नहीं हो पाई हैं और उसमें से 1500-2000 किलोमीटर सड़कें तो इतनी खराब है, खासकर जो नेपाल सीमा को जोड़ती है या साधुल्ला नगर गैराज बुजुर्ग ब्लॉक को जोड़ती है, ये सड़कें इतनी खराब है कि यहाँ पर चलना दूभर है। इसके साथ ही ग्रामीण अंचल की सड़कों की बात की जाए तो ये ग्रामीण लोगों के लिए परेशानी का सबब है और गन्ना का
गन्ना की कटाई का मौसम आ रहा है, ग्रामीण अंचल से लोग अपने गन्ने की फसल को लेकर चीनी मिलों तक आने के लिए कोशिश करेंगे, इसी जद्दोजहद में उनकी तमाम चीजें जो है बिखरती दिखाई दे रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि गौरा तुलसीपुर मार्ग जो है वो 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, लगता है इसमें ठेकेदार जो है वो भग गया है पैसा लेके, क्योंकि जो है जिन पुलों का निर्माण होना था वो पुल गौरा तुलसीपुर मार्ग पर नहीं बन सके हैं, जैसे सिंधवापुर हो गया, दतरंगवा हो गया, यहाँ पर पुलों का निर्माण होना था लेकिन पुल नहीं बन सके और सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, भुसैलवा के पास टूटी हुई है और बड़े पैमाने पर गड्ढे हैं या डिप हैं जिनको पार करके गन्ने की फसलों को चीनी मिलों तक पहुंचा पाना मेरी समझ से जो है किसानों के लिए दुश्वारी वाली बात होगी। जी योगेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिलों में तैनात अधिकारी कर्मचारियों में सरकार का थोड़ा सा भी भय दिखाई नहीं दे रहा है और तभी तो अधिकारियों कर्मचारियों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से लाखों का वारा न्याय हो गया है। और आपको बता दें कि किसी को भनक तक नहीं लगी है और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के ग्राम सचिव और प्रधानों और खंड विकास अधिकारी की मिली भगत से ग्रामीण विकास के नाम पर आने वाले पैसे में लगाते घाल मेल किया जा रहा है और जिसका ताजा उदाहरण पचपेड़वा ब्लॉक में देखने को मिला है। नेपाल की सीमा से सटे इस ब्लॉक में विकास को रफ्तार देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार जोर आजमाइश कर रही है लेकिन विकास के नाम पर आने वाले पैसों का बंडर धार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ग्राम सचिव प्रधान और खंड विकास अधिकारियों द्वारा इसका जायजा भी लिया जा रहा है और इस खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिले के पचपेड़वा ब्लॉक के ग्राम सभा मनोहरपुर, नारायणपुर और सकलदा में ही तैनात ग्राम सचिव श्री प्रकाश गुप्ता पर स्थानीय नागरिकों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायती राज द्वारा किया जा रहा है। आरोप है कि श्री प्रकाश गुप्ता ने फर्जी कर्मों पर ग्राम विकास के लिए आने वाले तकरीबन 16 लाख रुपए का भुगतान करवा लिया और इस पैसे से ग्राम सभा में किसी तरह की कोई कार्य नहीं करवाया गया। वहीं इस मामले पर CDO संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला मीडिया के माध्यम से आया है और इस मामले में जाँच कमेटी गठित है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसा कृत्य किया गया है जिसकी जांच के लिए BDO को नामित किया गया है। रिपोर्ट जो है अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएगी और उसके आगे अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनको जो है कार्रवाई करते हुए दी जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ योगेंद्र लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, बलरामपुर जिले का जो पचपेड़वा ब्लॉक है, ये बलरामपुर जिला वैसे ही अति महत्वाकांक्षी जिला है, यहाँ पर विकास के लिए तमाम संभावनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तराश रही है। उसी दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स का गठन किया जो पहले से ब्लॉक में यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। इसके कारण से जो सीमावर्ती ब्लॉक है, नेपाल की सीमा से सटे ब्लॉक है, यहाँ पर जो है अधिक काम करवाया जा रहा है, अधिक पैसा दिया जा रहा है कि इन लोगों की जिंदगियों में जो है बदलाव आ सके। लेकिन यहाँ पर पचपेड़वा ब्लॉक में एक सेक्रेटरी तैनात है जिसका नाम जो है श्री प्रकाश गुप्ता बताया जा रहा है। इसने 3-4 फर्मों पर जो किसी तरह से फर्जी है या किसी तरह से भी इसने जो है फर्जी भुगतान करवा लिया। लगभग 16 लाख रुपए की रकम है जिसका इसने 4 ग्राम सभाओं में इसकी तैनाती है तो अपने 4 ग्राम सभाओं में इसने फर्जी तरीके से भुगतान करवा लिया। अब ये लगातार ये मामला उठ रहा है, ग्राम प्रधानों ने पहले मामला उठाया, फिर ग्राम प्रधानों को किसी तरह से लेन देन करके उनका मुंह तो बंद करवा दिया गया। लेकिन इसकी जो जांच थी वो उच्च अधिकारियों तक शिकायती पत्र पहुंच चुका था तो इसलिए जांच अभी तक चल रही है। और बात CDO से जब हमने की तो उन्होंने कहा कि जो है हम जांच कर रहे हैं और जो तमाम तथ्य हैं वो सामने लाए जाएंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई कब तक की जाएगी और क्या जो ये श्री प्रकाश गुप्ता है जो सेक्रेटरी है केवल वही दोषी है
इसके अतिरिक्त जो इसके उच्च अधिकारी हैं, क्या वो दोषी नहीं है? सवाल ये उठता है कि ग्राम विकास के लिए आने वाला पैसा एक तो वैसे ही बहुत कम आता है, गांव में सड़कों की जरूरत होती है, नाली की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की जरूरत होती है, पंचायती भवन या अन्य चीजों के सुदृढ़ीकरण की जरूरत होती है, लगातार इस तरह की जरूरतें पड़ती रहती है। तो इन पैसों का जब बंदरबांट होगा तो ग्रामीण व्यवस्था को, जो गांधी जी का सपना था कि गाँव का जो आदमी हो वो जो है आजाद भारत की जब इसे स्वच्छ और साफ तस्वीर दिखाई दे और वो जो है खुले मन से कह सके कि हमें भी उस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं जो शहरों में मिलती हैं, तो उस सपने को जो है हमें लगता है कि इस तरह के अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, वो चकनाचूर कर रहे हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से सपा विधायक सईदा खातून ने अपने कार्यालय से अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ नारेबाजी करते हुए डुमरियागंज मेन चौराहे से डुमरियागंज तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी डुमरियागंज कुणाल को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महामहिम राज्यपाल को संबोधित कर ज्ञापन दिया गया है और अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है, और जिसमें मुख्य सदस्य हैं खाद, बिजली और बीज, बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा, इसको लेकर ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पूर्ति करवाने की बात कही गई है। हाँ सर, सपा विधायिका सैयदा खातून ने आपको ज्ञापन सौंपा है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और इस पर क्या कार्रवाई है? बहुत विस्तृत तो मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ उसमें है कि मूलतः किसानों की समस्याओं को लेकर उनका ज्ञापन है, और एक बेवा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अपग्रेडेशन का मामला है। हमने ये ज्ञापन जो दिया है, जनता का जो दुख दर्द था, जो जनता को परेशानी थी, उसके लिए ज्ञापन दिया गया SDM साहब को और राज्यपाल को दिया। क्या क्या मांगे की गई हैं इसमें? सबसे पहली मांग तो खाद, जो आज किसान खाद अपना फसल बो रहे हैं उसके लिए खाद और डाई यूरिया की जरूरत होती है, बिल्कुल क्षेत्र में नहीं है, किसान बहुत ही परेशान। और अभी जो बाढ़ आई थी, बाढ़ से लोग परेशान हैं, बिजली बिल ज़्यादा दे रहे हैं, सड़कें अभी नहीं बन पाई है, लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है, सारी बिंदुएँ इसमें लिखी हुई हैं जो मैंने ज्ञापन दिया है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ सड़कें सारी जर्जर हो चुकी हैं और बिजली का बिल इस तरह आता है और यहाँ इस तरह वसूली होती है कि किसान वैसे ही परेशान है और परेशान हो जा रहा है, और अभी तक उन लोगों को कोई भुगतान नहीं मिला जो किसानों को मिलना चाहिए। फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र के कस्बा पाठम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई है और मकान में आग लगने से कस्बे में हड़कंप मच गया है। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। जानकारी के अनुसार रमन कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान है और वहीं ऊपर उनका परिवार भी रहता है, और मंगलवार की देर शाम अचानक उनके मकान में आग लग गई। आग लगने से लपटें निकलने लगी और जिसके कारण कस्बे में हड़कंप मच गया है और लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया और 6 लोगों के शव से निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 झुलस गए हैं। मृतक सभी 6 लोग एक ही परिवार के थे, वहीं घायल 3 लोग मजदूरी का काम करते थे। भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। हमारा थाना पड़ता है, उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 2-3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया भी मौत बताई जा रही है।
ये बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है। थोड़ा कंजेस्टेड था यहाँ पर एरिया पूरा और जिसमें काफ़ी हम लोग को मशक्कत करनी पड़ी, बट अभी हम लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि एसरटेन कर रहे हैं कि कोई और ना पता हो और उसमें अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता अतुल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, भीषण आग लगी है जिसमें 6 लोग जिंदा जल गए हैं, पूरी घटना कैसे हुई है? जी बिल्कुल, साफ तौर से बता सकते हैं कि घटना फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जो पालम है, पालम की घटना है जहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, नीचे और ऊपर मकान बना हुआ था जिसमें बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा निकलकर वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है। हालांकि टीम जांच कर रही है वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे परिवार में बहुत ही घटना दुखद हुई है। 6 लोग जिंदा जल गए और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। जी अतुल, इस बारे में जानकारी हो पाई है कि ये आग किस तरह से लगी है? जी, जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टया सामने निकलकर आ रहा है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और जो नीचे दुकान थी उसमें बैटरी चार्जिंग का बड़े लेवल पर काम किया जाता था, तो लगभग 70 से 80 बैटरियां चार्जिंग में लगी हुई थी। तो आग लगने के बाद जो कहीं ना कहीं घटना है वो विकराल रूप ले गई। जी अतुल, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया है। कई दमकल मौके पर पहुंची, आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, जनपद के अलावा गैर जनपद के भी कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है। और जो घटना में 3 लोग घायल हैं उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। जी अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो फिरोजाबाद से बेहद दुखद खबर सामने आई जहाँ पर 6 लोग भीषण आग में जिंदा जल गए हैं। यूपी के फतेहपुर में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर विद्युत विभाग के शर्मिंदा अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर सहित कर्मचारी के काम बंद कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और केंद्र और प्रदेश को सख्त चेतावनी दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये हड़ताल जारी रहेगी। और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक प्रमोद कुमार सिंह और सुनील कुमार ने बताया कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है और जिसमें हमारी प्रमुख मांग सभी श्रेणी के बिजली कर्मचारी अवर अभियंता के वेतन की समस्या दूर किया जाए। तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली उड़ीसा सरकार के आदेश की तरह ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप और निजीकरण के आदेश वापस लिया जाए और 220 केवी और 440 केवी और 765 केवी विद्युत उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालन और अनुसरण के निजी काम के आदेश निरस्त किया सहित 15 मांग है। जो मांगे हैं, मांगे ऊपर से केंद्रीय ने जो निर्णय लिया है उसी के आधार पर आज हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और शाम को मशाल जुलूस निकलेगा और प्रबंधन द्वारा जो हटकर्मी किया जा रहा है इसके विरुद्ध हम लोग जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप लोग की मांगे नहीं मांगेगी तो क्या करेंगे आगे? अब आगे मांगे नहीं मानी जाएगी तो जो केंद्र में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी वो निर्णय लेंगे, जैसा वो दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। मेन किन कारणों से आप हड़ताल पर बैठे हैं, किन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विभागीय हम लोग का जो है कार्य के लिए सामान सामग्री से लेकर के पूरी पेंशन योजना का भी है और बाकी हड़ताल जो है हम लोग किए हुए हैं। ACP जो हम लोग का जो है 15 सूत्री मांग है उसमें कई मांगे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। का मामला ये है, हड़ताल के कार्य बहिष्कार कहा जाए और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में मसाज जुलूस का कार्यक्रम है एक केंद्रीय आह्वान के पर। और हम लोग का मुख्य मांग ये है कि ये जो हम लोग की वेतन विसंगतियाँ हैं इसको दूर करना और पुरानी पेंशन लागू करना, प्रबंधन की मनमानी रवैये को दूर करना जिससे कि सरलता से उपभोक्ताओं को व्यवस्था दी जा सके, सुविधाएं दी जा सके, यही सब बहुत मुख्य। और निर्मदा संविदा कर्मचारियों को नियमित करना ये सबसे बड़ी मुख्य मुद्दा हम लोगों की है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर तले आज
कार्य बहिष्कार है और शाम को हिंसा जुलूस भी है, जिसमें प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये और हमारी मांगों, जिसमें 15 बिंदुवार मांगे हैं, के संबंध में जो है ये कार्यक्रम। अगर नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप? अब आगे की रणनीति जो है केंद्रीय संघर्ष समिति तय करेगी। क्या नाम है? कल्लू राम यादव। फतेहपुर जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा किया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है कि भविष्य में किसानों और घरों की विद्युत व्यवस्था अलग अलग कर दी जाएगी और जिससे किसानों को सहूलियत होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाँव के विकास में अत्यधिक रुचि देते हैं और किसानों का विकास उनके हृदय के केंद्र में है। वैष्णो जी का ये था कि पत्रकारों की खतर सरकार की समस्याएं, सरकार का जो काम है जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। मुझे भारत सरकार से सूचना, यदि आप जिले उपलब्ध हो तो आप रह लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे। विजय जी आए हैं वहाँ से। आज का कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सरकार की योजना जनता तक कैसे पहुँचाना है, आप चाहे हम हो, सबका एक ही उद्देश्य है, जनता को लाभ पहुंचाना। यदि आप कहीं गांव में कोई रिपोर्ट छापते हैं तो उसमें भी आपका जनता का ही छुपा होता है कि भाई गांव की सड़क कैसे बने, ये काम कैसे हो, वो भी आपका ही उद्देश्य होता है। गाजीपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में विद्युत कर्मचारियों ने पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और कई पदों पर तैनात संविदा कर्मचारियों और अभियंताओं के मांगों को लेकर विगत 17 नवंबर से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन विभागीय अधिकारियों के रवैये से आक्रोशित कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला है और जिसके बाद कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, अगर इस दौरान कोई अधिकारी परेशान करता है तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये 27 अक्टूबर को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में एक ज्ञापन दिया था, लेकिन ये पावर कॉरपोरेशन में कार्यक्रम और खत्म हो चुका है, कोई वार्ता के लिए पहल नहीं की गई, मजबूर होकर के आज ये तीसरा चरण है। पहले हम लोग 17 तारीख को शक्ति भवन पर थे, 21 तारीख को जो है हम लोग जो है गाजीपुर में मतदान जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, आज तीसरा चरण और हमको कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ा। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी LMB ट्रेन जो आम उपभोक्ताओं की तरह हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तेलंगाना की भांति संविदा कर्मी को नियमित किया जाए, कैशलेस व्यवस्था लागू किया जाए और साथ में जो इंजीनियरों के साथ घटनाएं हो रही हैं। मैं अनिल कुमार वर्मा, केंद्रीय उप महासचिव राजदूत परिषद यूनियन इंजीनियर संगठन। आज आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है, पत्रक भी सौंपा है, क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, हम लोग का ये नोटिस पिछले 1 महीने पहले उच्च प्रबंधन को दिया जा चुका था। इस समय कॉरपोरेशन में जो अव्यवस्थाएं हैं, कार्य का जो बहुत ही दूषित वातावरण है, जिसमें हर एक कार्मिक, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो हमारा उच्च अधिकारी हो, वो सभी जो है इस बात से पीड़ित है कि इस विभाग में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मेन मनी मटेरियल के बारे में हमारा शिष्ट प्रबंधन बात नहीं करता है और इन सब के बिना हमारा इस विभाग में काम कर पाना या फिर बेहतर उपभोक्ता सेवा दे पाना किसी भी दशा, इसलिए हम लोग चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी इटावा में 1.5 माह से लापता किसान की बेटी को अभी तक तलाश नहीं हो पाई है और साथ ही आरोप है कि दबंगों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। किसान ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी बेटी को ढूंढने के लिए बजाय खाना पूर्ति कर रही है। मामला थाना बसरे क्षेत्र के अंतर्गत रसूलाबाद गांव का है।
गोरखपुर में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज के साथ 5 अन्य बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली के में लगभग 250 छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया गया। सितारगंज में मीना बाजार में अतिक्रमण को लेकर कई गई तावड़तोड़ असर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में देखने को मिला है। मीटिंग में बोर्ड के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि पुराने बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर वेंडरों को बसाया था, जबकि प्रशासन ने वर्तमान बोर्ड को तोड़फोड़ आदि प्रक्रिया से यानी भ्रग्ध करके तोड़फोड़ की प्रस्ताव पास किया गया है। जब जो होगा टाउन वेटिंग कमेटी बने, उसमें वर्तमान पालिका बोर्ड के सदस्यों को शामिल किया जाए। रखी गई उसमें जो है कि लगभग हमने 15 से 17 प्रस्ताव जनहित को देखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पे पास किए, जिसमें ये जो लोग आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो मीना बाजार के वेंडर्स हैं, और इसमें हमारे जो है कि जो सभासद लोग थे, सभासदों ने आज जो है कि इस पर आपत्ति जताई है। सभासदों का ये कहना है कि सन 1990 में तत्कालीन जो बोर्ड था, उन बोर्ड के प्रस्ताव पास होने के बाद ही इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया था, और जब इनको उजाड़ने का नंबर आया तो बोर्ड द्वारा किसी प्रकार से जो है सहमति नहीं ली गई, हमारे पूरे बोर्ड को विश्वास में नहीं करा गया। टाउन बैंडिंग कमेटी एक बनी, उसमें हमारे किसी भी सदस्य को या मुझे उसका सदस्य नहीं बनाया गया, जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए और प्रस्ताव पास किया गया है कि जब भी इनको हटाया जाए तो बोर्ड की सहमति लेना आवश्यक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।